हाय गाइस, मेरा नाम है विजय। गाइस, रियलमी की जो नंबर सीरीज है, रियलमी 9 सीरीज, वो इंडिया में नेक्स्ट मंथ मतलब जनवरी मंथ के अंदर जो है डेफिनेटली जो है लॉन्च होने वाली है। लेकिन उसमें से अगर हम स्टार्टिंग वाले फोन की बात करते हैं, रियलमी 9 सीरीज का रियलमी 9i NTPC पे लिस्ट हो गया है। इसका मतलब ग्लोबल मार्केट में जल्दी लॉन्च होने वाला है। और जिस टाइम ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होगा ना, उसके कुछ दिनों ही बाद में जो है इंडिया में भी जो है आने वाला है। और फाइनली जो है गाइस, अली एक्सप्रेस पे जो है लिस्ट हो गया है। अली एक्सप्रेस एंड अली बाबा पे जो है लिस्ट हो गया है रियलमी का 9i। कुछ इस टाइप का यहाँ पे जो है स्पेसिफिकेशन हाईलाइट किए गए हैं। सब कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करना मत भूलना। कि कितनी प्राइस का होने वाला है, क्या आपको वेट करना चाहिए या फिर जो है नहीं करना चाहिए, सब कुछ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को जो है जरूर से लाइक करना और अपने जो थॉट हैं, आपके जो माइंड में है कि आप क्या वेट करोगे या फिर जो है नहीं करोगे रियलमी 9i का, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बता देना। तो गाइस, बात करते हैं रियलमी 9i की। ये कुछ स्टेप का डिजाइन होने वाला है रियलमी 9i का। हम काफी टाइम से लीक्स देखते हुए आ रहे हैं, काफी टाइम से यही इमेज जो है घूम रही है। नो डाउट गाइस, इमेज जो है काफी अच्छी है, मतलब जो है लुक वाइज जो है इस फोन का काफी प्यारा है। ये कहीं ना कहीं यहां पे मैच करता है रियलमी GT Neo 2 जैसा डिजाइन यहां पे जो है आपको देखने को मिलता है, जो कि कैमरा मॉड्यूल है ना, वो काफी इंटरेस्टिंग है। वही आपको प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिलेगा, कुछ नया डिजाइन है, लाइनिंग शेड वाला आपको जो है कुछ इस सबके डिजाइन देखने को मिलेगा। ये रियलमी 9i का स्टार्टिंग फोन होने वाला है। प्राइस होने वाला है अप्रोक्स 11,500 रुपए या फिर जो है मैक्सिमम 12,000 रुपए का ये फोन होने वाला है। और यहां पर अगर कैमरा मॉड्यूल की बात करते हैं तो वो काफी प्यारा है। अगर फ्रंट डिजाइन की बात करते हैं तो वही होगा, साइड पंच होल स्क्रीन 6.5 इंच के डिस्प्ले के साथ में IPS पैनल आपको देखने को मिलेगा और 6.5 इंच का होगा फुल HD+ रेजोल्यूशन। मतलब गाइस, इंटरेस्टिंग आपको जो है यहाँ पे रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा। जैसा कि Realme 7i एंड Realme 8i का हमने जो डिस्प्ले यूज किया गया ना, वैसा ही आपको जो है डिस्प्ले परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर कंफ्यूजन यही है कि 120Hz होगा या फिर जो है 90Hz होगा। नो डाउट आपको 90Hz तो डिस्प्ले डेफिनेटली देखने को मिलेगा, फास्ट स्क्रीन रिफ्रेश रेट 90Hz के साथ में। और गाइस, अगर हम बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पर चिपसेट यूज किया जाएगा Snapdragon 680। अभी कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुआ है, नया चिपसेट है, डेफिनेटली आपको जो है एक अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये मिलता जुलता है Snapdragon 665 से। अब यहां पर हम देखते हैं नया क्या है। तो गेमिंग आपको एक अच्छी प्रोवाइड करेगा, जहां पर GPU यूज किया गया है Adreno 610, नो डाउट आपको एक अच्छा यहां पे जो है गेमिंग प्रोवाइड करेगा। और इसके अलावा जो है CPU परफॉर्मेंस भी जो है आपको एक ओके सा जो है देखने को मिलेगा। हम बोल सकते हैं कि Snapdragon जो 665 है उसको ही हल्का सा इंप्रूव करके जो है नाम चेंज किया है Snapdragon 680 के साथ में। और गाइस, अगर हम बात करते हैं इस फोन के कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में, जो कैमरा मॉड्यूल है वो तो काफी शानदार है। ट्रिपल रियर कैमरा है, जहां पे प्राइमरी सेंसर है वो है 50MP के साथ में। अब यहां पर सेंसर कौन सा यूज होगा, सैमसंग का यूज होगा या फिर जो है कोई और सेंसर यूज होगा, लेकिन उम्मीद यही है कि सैमसंग का सेंसर जो है यूज होना चाहिए। जो सेकेंड एंड थर्ड कैमरा है वो है 2MP एंड 2MP का, जो कि वेस्ट है। मतलब आप मत सुनो, ज्यादा बढ़िया बात है, क्योंकि जो सेकेंडरी कैमरा है वो है यहाँ पे मैक्रो लेंस, एंड थर्ड जो कैमरा है वो है डेप्थ को कवर करने के लिए 2MP एंड 2MP के साथ में। और फ्रंट कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो वो है 16MP के साथ में जो है फ्रंट कैमरा परफॉर्मेंस। मतलब एक अच्छी सी आप जो है इमेज डेफिनेटली कैप्चर कर पाओगे फ्रंट कैमरे के साथ में। और गाइज, अगर हम बात करते हैं इस फोन की बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में, तो इस फोन में यूज की जाएगी 5000mAh की बैटरी। नो डाउट गाइज, आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस जो है बैटरी का देखने को मिलेगा। 5000mAh की बैटरी है, कंटिन्यू यूज पे अकॉर्डिंग आपको जो है लगभग 8 घंटे का जो है बैटरी परफॉर्मेंस इजीली से देखने को मिलेगा। और वहीं अगर हम बात करते हैं इस फोन के चार्जिंग सपोर्ट के बारे में, 30 वाट का चार्जिंग सपोर्ट करेगा। बैटरी को यूज करो, आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी जो है साथ में देखने को मिल रहा है। इनबॉक्स के अंदर आपको जो है चार्जर देखने को मिलेगा फास्ट चार्जिंग 30 वाट के साथ में। एंड सिक्योरिटी परफॉर्मेंस, साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिलेगा रियलमी 9i के साथ में। वेरिएंट आपको चूज करना पड़ेगा, कौन सा वेरिएंट आपको लेना है, 4GB 128GB, 6GB 128GB, जो भी हो आपके माइंड में, वो जब लॉन्च हो जाए तो आप जो है जरूर से ले लेना। और आपका क्या मानना है इस फोन के बारे में, जो भी हो आप मुझे कमेंट करके बताना। प्राइस एक्सपेक्टेशन जो है ऑलमोस्ट 11,500 रुपीज या फिर जो है 12,000 रुपीज मैक्सिमम होने वाला है। तो गाइस, ये था आज की वीडियो में। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। जरूर से वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना क्या मानना है इस वीडियो के बारे में, रियलमी 9i के बारे में। और सब्सक्राइब नहीं करते हमारे चैनल को, जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट्स देखने को मिलते रहेंगे। इतना ही था आज के वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में।